कथा सुनने वालों को बुद्धू मानते हैं, नहीं नहीं, कथा सुनने वाला साक्षात महादेव का स्वरूप है, कथा सुनने वाला तीर्थ का प्रतीक है। और एक बात कहूं, हमारे से कुछ बड़ा सत्कर्म, कुछ बड़े बड़े यज्ञ न हो सके, लेकिन संसार में कोई हताशा निराशा से भरा हुआ भटकता हुआ लटकता हुआ कोई मनुष्य है जो, उसको पकड़कर भगवान की कथा सुनाना, उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। उसकी हताशा उसकी निराशा चली जाएगी, उत्साह मिलेगा, आनंद मिलेगा, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी। यह है कथा। कथा एक साधना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक उपासना है, कथा भगवान की वांगमय पूजा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम चढ़ाते रहते हैं, यह है वांग पूजा। इसलिए कथा कोई सामान्य नहीं है, और कथा भगवान के लिए नहीं है, कथा हमारे लिए है। मधुस्फीता वाचा परम अमृतम निर्मितवतः, है ना, पुष्प दंत ने गाया, भगवान आपकी कथा बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर, अति सुंदर, ये पुष्पदंत ने कह दिया। मधुस्फीता वाचा परम अमृतम निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किंवा कवि सुर गुरो बृहस्पति, आपके महिमा का अगर आपको विस्मित नहीं कर सके, आह्लादित आनंदित नहीं कर सके, तो मैं कैसे कर सकता हूं। महादेव सुनिए, मैं आपकी महिमा आपके लिए नहीं गा रहा हूं, मेरे लिए गा रहा हूं। क्यों मेरे लिए? मुझे पुण्य मिले, ये पुष्पदंत ने कह दिया, स्वार्थ को खुला कर दिया, इसलिए आपकी महिमा गाता हूं, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। मम त्वेता वाणी गुण कथन पूर्णेन भव, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो। पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुधिर्वसिता, पुरमथन बुधिर्वसिता। कथा सुनने से हे पुरमथन, मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके आपकी मैं गुणगान महिमा गा रहा हूँ। किस लिए? तो कि मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरे जीवन में आनंद हो, आनंद के फूल खिले, इसलिए मुझे प्रसन्नता मिले, मुझे आह्लादिता आनंदिता मिले, इसलिए मैं आपके महिमा गा रहा हूँ और आपके महिमा सुन रहा हूँ। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधार, ये अमृत है। मधुस्फीता वाचक परम अमृतम, अमृत से श्रेष्ठ अमृत, उसको कहते सत्संग, उसको कहते कथा। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, आत्मा को आह्लादित करने के लिए ये कथा सुननी चाहिए। ये सकारात्मकता देती है, उत्साह देती है, आनंद देती है, ये भगवान की कथा है। कथा को अमृत कहा, मधुस्फीता वाचा परमृत, अमृत का ये बात श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुने कि गोपियों के मुख से, है ना, तब कथा अमृत, तब कथा भगवान हमारा मंगल हो। जो बात श्रीमद् भागवत कथा में कहे, यहाँ क्या कहा, ममत्व वेदांबाणी गुण कथन पूर्ण न भवता है, भगवान आपकी महिमा गाने से मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, वही बात गोपियों ने कही, मेरा मंगल हो, हमारा सर्व मंगल हो, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं।